दोस्तों आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई की तरफ से दो बहुत ही बड़ी खबरें जो है वो निकल कर आई हैं, जहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने आईपीएल 2021 को लेकर दो बहुत ही बड़े अपडेट जो हैं वो दे दिए हैं, जिनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपके हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल 2021, कौन सी टीम अगले आईपीएल में जो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाली है, आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। दोस्तों आईपीएल 2020 के खत्म होने के बाद यहां पर अब जो है हम इंतजार कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, और इस साल दोस्तों अगले आईपीएल का एक्साइटमेंट जो है वो जल्दी भी शुरू हो गया है, क्योंकि यहां पर 6 महीने के अंदर ही अगला आईपीएल जो है वो शुरू होने वाला है। कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 जो है वो बहुत ही देरी से शुरू हुआ, और यहां पर आईपीएल 2020 के खत्म होने के बाद अगला आईपीएल जो है हमें बहुत ही जल्द जो है वो देखने को मिलने वाला है। और इसको लेकर दोस्तों यहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने आईपीएल 2020 के खत्म होते ही अगले आईपीएल के लिए दो बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो दे दी हैं, जहां पर सबसे पहली अपडेट उन्होंने ये दी, सबसे पहली खबर उन्होंने ये दी कि यहां पर अप्रैल में अगले साल का आईपीएल जो है वो होने वाला है शुरू। जी हां दोस्तों, अगले साल के आईपीएल में कोई भी डीले जो है वो नहीं किया जाएगा, अप्रैल के महीने में आईपीएल 2021 जो है वो शुरू होगा, और मई के महीने में जो है हमें फाइनल देखने को मिलेगा, मई के एंड में फाइनल जो है हमें देखने को मिलने वाला है। ये सबसे पहली खबर यहां पर बीसीसीआई की तरफ से आ चुकी है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर डाउट्स ऐसे बने हुए थे कि थोड़ा सा डीले इस साल का आईपीएल भी हो सकता है, क्योंकि ये आईपीएल जो है डीले चला था 2020 का, ऐसे में 2021 का आईपीएल भी जो है थोड़ा सा देरी से जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी डीले होने वाला नहीं है, अप्रैल में शुरू होगा आईपीएल 2021 और मई के एंड में खेला जाएगा आईपीएल 2021 का फाइनल। तो ये पहली अपडेट। वहीं बात करें दोस्तों दूसरी अपडेट और बड़ी अपडेट की, तो यहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2021 जो है वो इंडिया में ही खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में ही खेला जाएगा, यानी कि आईपीएल 2021 में और भी ज्यादा मजा जो है वो आने वाला है। 2020 का आईपीएल दोस्तों कोविड-19 की वजह से यूएई में कराया गया, इंडिया की अगर बात करें तो अभी भी कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं, ऐसे में डाउट था कि क्या यहां पर फिर से हमें किसी और कंट्री में आईपीएल होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2021 जो है वो इंडिया में ही होने वाला है। इससे दोस्तों चेन्नई सुपर किंग जैसी टीमों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी जो है हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये टीम जो है होम पिच का काफी अच्छा एडवांटेज लेती है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर उन्होंने दो बड़ी अपडेट दे दी हैं। सबसे पहली कि अप्रैल में आईपीएल 2020 शुरू होगा, मई में खेला जाएगा फाइनल, और इंडिया में ही जो है आईपीएल 2021 होने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अपडेट बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आईपीएल 2021 से, आईपीएल 2021 के ऑक्शन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल